हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, कितने लोग देखे हैं मुझे पता नहीं, शायद बहुत कम लोग ही देखे हैं, और उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी था। अगर जिसने नहीं देखा, ये वीडियो देखने के बाद, मन की बात के नाम से मैंने एक वीडियो बनाया था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बीच बीच में मैं इस तरह से कुछ कुछ वीडियोस बनाते रहूँगा जिसका नाम ही होगा मन की बात। मेरा कहने का मतलब ये है, मन की बात का मतलब मेरा मन में कुछ बातें हैं आप लोगों के लिए, जिसको लेकर मैं आऊँगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, जो मौका मुझे नहीं मिलता कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके लिए वीडियोस ही रहती है और सवाल जवाब का मैं दे नहीं पाता हूँ। तो इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ जिसका नाम रखूँगा या रखा हूँ मन की बात। मन की बात आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि मोदी जी का बहुत फेमस है मन की बात। तो मैं ये कहूँगा कि ये मन जो है वो सबके पास है, मेरे पास भी है, और मेरे मन में भी कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए जानबूझ के मैंने इसका टाइटल मन की बात रखा है। जो भी मेरे ऑडियंस है, जो भी देखते हैं वीडियोस, उनका कुछ सवाल होती है जिसका छोटा सा जवाब मैं दे पाता हूँ जो कमेंट सेक्शन में, तो आज मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। आपको ये सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आर्ट सीखना चाहते हो, आर्ट करना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कुछ बातों को अपना माइंड में, दिमाग में रखना ज़रूरी है। नहीं तो सिर्फ, मैं बार बार कहता हूँ, एक कॉपी कैट बन के रह जाओगे। बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब में जो आर्ट चैनल चलाते हैं, और आपको कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ हाउसवाइफ्स होते हैं, कुछ एमेचर्स भी होते हैं, और वो चैनल बना के बैठे हैं। उसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आंख बंद करके आपको जो दिखाया जाता है उसको फॉलो करते हो, और ये आपको पता नहीं है जो आप फॉलो करते हो वो कहाँ तक सही है, और आप जो कॉपी करते हो वो कहाँ तक सही है। उसमें मिस्टेक्स भी होती है। अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग सीख रहे हो या करना चाहते हो, तो जो ड्राइंग्स आप कॉपी कर रहे हो, क्या वो रियली रियलिस्टिक है या सिर्फ आंखों में अच्छी लगती है? अगर आप रियलिस्टिक काम करना चाहते हो, जो बेसिक्स है मैं वो सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पता नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है, तो आपको ये पता नहीं है आइडियाज़ कैसे बनाया जाता है। इस सारे चीज़ के लिए आपको थ्योरी की ज़रूरत होती है, कुछ बातें समझने वाली है और समझ की ज़रूरत होती है, जिससे आप अपना माइंड को ट्रेन करते हो और उससे काम लेते हो। और माइंड से हम बहुत कुछ काम निकाल सकते हैं। क्रिएटिविटी उसको कहा जाता है जो क्रिएशन, आपको सुने होंगे एक वर्ड क्रिएशन है, क्रिएशन मतलब सृष्टि है। सृष्टि में आप देख सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और ये बहुत ही साइंटिफिक है, दुनिया इतना बड़ा है, हमारे दुनिया जिसको हम वर्ल्ड कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी जैसे कितने लाखों अरबों खरबों पृथ्वियाँ हैं और प्लैनेट्स है, जो हमारे जो आकाशगंगा, हमारे जो यूनिवर्स है, उसमें कितने सारे आकाशगंगा हैं करो, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो मेरा कहना मतलब ये है, यहाँ जितना भी चीज़ें क्रिएट हुई है सृष्टि में, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इवन एक रेत का कण कहीं से भी उठाओ, दूसरा रेत से मेल नहीं खाएगा। एक पत्ता, कोई भी पेड़ का, वो दूसरा उसके जैसा पत्ता रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो इंसान क्यों ऐसा करता है कि वही काम को वो करना चाहता है जो काम हो चुका है, या उसी को प्रोड्यूस करना चाहता है, रिपीट करना चाहता है, कॉपी करना चाहता है? हर एक इंसान यूनिक है, पैदाइश से यूनिक है, उसका अंदर कुछ यूनिक पोटेंशियल है, कुछ यूनिक क्वालिटीज़ है, उस क्वालिटीज़ को, उस यूनिक क्वालिटी को हम आर्ट कहते हैं। वो एक एक्स्ट्रा फैकल्टी है, सब में होती है। ये कहना गलत है कि कोई आर्टिस्ट है और कोई नॉन आर्टिस्ट है, नहीं, हम उसको आर्टिस्ट कहते हैं जिसने अपना उस फैकल्टी को पहचाना और उसको एनहांस किया, उसको बढ़ाया और उसको और खूबसूरत बनाया और उस पर मेहनत किया है। तो आर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम पेंटिंग करें, विजुअल आर्ट है। आर्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बात करना एक आर्ट है, गाना गाना एक आर्ट है,
रसोई करना, खाना बनाना आर्ट है, इवन झाड़ू करना एक आर्ट है। आप अगर कोई एक चीज़ को अपने अंदर पहचान लेते हो कि ये आपके अंदर का सबसे खूबसूरत कला है, खूबसूरत चीज़ है, अगर आप उस पर मेहनत करो और उसको बिल्कुल जीवन भर उसका ऊपर फोकस करके काम करते जाओ, आप एक ना एक दिन उसी फील्ड में और बिल्कुल अलग होके आप नज़र आओगे दूसरों से। और ये आर्ट हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। मैंने पिछले वीडियोस में बात किया था कि तीन तरह के लोग होते हैं, एक देखने वाला, एक दिखाने वाला और तीसरा है जो एक खुद को देखने वाला। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल था। तो इसमें से आपको पता चलेगा आप किस कैटेगरी में खड़े हो। इससे मायूस होने की कोई बात नहीं है। जो देखने वाले हैं वो दिखाने वाले बन सकते हैं, हम किसी ना किसी तरह से दिखाते हैं, लेकिन जो भी दिखाते हैं वो और किसी से उधारी लेके दिखाते हैं। जैसे कि कोई ट्रेंड चल रहा है कपड़ों का, कोई फटा हुआ जींस पहना है तो आपको वही चाहिए। मैं अक्सर ऐसा नहीं करता, मेरे पास कपड़े हैं जो 15 साल पुराने हैं, मैं फेंकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे हैं, फेंक नहीं सकता। और जब ट्रेंड में नहीं होती है ना, मैं उसको पहनता हूँ, क्योंकि दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ और मेरे कपड़े दिखते हैं, क्योंकि पूरा दुनिया एक ही तरह का कपड़ा पहना हुआ है और मैं 15 साल पहले का एक शर्ट निकालता हूँ, टी शर्ट निकालता हूँ, पैंट निकालता हूँ और पहनता हूँ और उसको रखा हुआ हूँ, वो अलग दिखता है। मेरा ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस चलता नहीं है। मैं जो चाहता हूँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, आपका इंस्टिंक्ट क्या कहता है। और आर्टिस्ट अपना इंस्टिंक्ट से काम करता है। अपना अंतरात्मा को सुनना बहुत जरूरी है। ये बात अगर आपको समझ में आ जाए, आप रियली करना क्या चाहते हो, आपका दिल क्या कहता है। और आर्ट दिल से होती है, दिमाग से कम। आप ये जो कॉपी करते हो, कोई चीज़ें देखते हो, हूबहू उसको करने का कोशिश करते हो, ये दिमाग का काम है, ये आप दिमाग से करते हो। जब आप कोई काम दिल से करोगे वो बिल्कुल अलग होगा, आपका जैसा होगा। आपका जैसा मतलब आपसे जो बेहतर होता है वही होगा। तो कोशिश कीजिए, आपका दिल क्या कहता है, आपको किस में मज़ा आता है, किस चीज़ करके आप खाना पीना भूल जाते हो, टाइम का पता नहीं चलता, आप उसी को बार बार करना चाहते हो और उसी में ही मज़ा आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी में मज़ा आता है मतलब 24 घंटा उसी पे लगे रहना है, हमें पढ़ाई भी करना है। और एक बात आप ध्यान रखिए, आप अगर ये चीज़ को पकड़ लेते हो, अगर जान लेते हो, तो ये आपका पूरा जीवन में उतरता है, इम्प्लीमेंट होता है। और यही बात आपको खास बनाती है दूसरों से, जो दूसरा नहीं कर पाता आप कर लेते हो, अलग करते हो आप भीड़ में अलग दिखाई देते हो। नरेंद्र मोदी जी को देखिए, कोई भी फेमस पर्सनैलिटी को देखिए, वो क्यों दिखते हैं, क्यों उनका नाम है, क्योंकि वो अलग है, वो अपने जैसे कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो मेरा ये जो आज का मन की बात है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, कहने को बहुत कुछ है, इस वीडियोस बहुत लंबी बन जाएगी, मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को देने के लिए और मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। मैं खुद बहुत कुछ करता हूँ, ये मुझे नहीं पता था, मैंने धीरे धीरे उसको डिस्कवर किया। मैं कविताएं लिखता हूँ, आई एम ए फोटोग्राफर, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मैं फैशन फोटोग्राफी किया है, टेबल टॉप किया है, ज्वेलरी वगैरह किया है, ट्रैवल फोटोग्राफी किया है, आई एम ए पोएट, मैं लिखता हूँ कहानियाँ लिखता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। और मेरा मानना यह है कि मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, मेरा स्टार मेकर में मैं गाता हूँ और ये मैं अपने खुशी के लिए करता हूँ। तो और मेरा ऐसा मानना है, मैं बात भी अच्छा कर लेता हूँ और मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ, मैं हिप्नोटाइज भी करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, आई एम ए स्पिरिचुअल बींग, मैं एक स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मैं संन्यास ले रखा हूँ करीब 20 सालों से, ध्यान मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे मदद करती है अपना काम करने के लिए। और मैं रेकी मास्टर हूँ, मैं पिरामिड थेरेपी करता हूँ, क्रोमोथेरेपी करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, मुझे जानने का इंटरेस्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितने सारे चीज़ें हैं, आप उसको डिस्कवर कीजिए, उसको एनहांस कीजिए। आर्ट जो है वो जीवन में और कुछ रंग भरने का प्रक्रिया है। बाकी लोग जो है कितना उदास जीते हैं, पृथ्वी कितना
खुशी से भरी हुई है चारों तरफ। आप देखिए एनिमल्स को देखिए, कोई उदास नहीं है, सिर्फ इंसान उदास है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास एक दिमाग है। ये दिमाग हमें शांत से बैठने नहीं देता, लेकिन हम ऐसे कुछ काम करें, ऐसे कुछ करें जो हमें खुशी ला दे, जिसमें हम खुश हो, तो ये आर्ट है। सिर्फ आपको आर्ट में ही खुशी मिलेगी, आपका एस्थेटिक सेंस बढ़ेगी, आप जहाँ भी जाओगे आपका वाइब्रेशन अलग होगी, आप जहाँ भी रहोगे उस रूम का डिज़ाइन अलग होगी, उस रूम का पर्दे से लेके सोफ़ा कवर्स का कलर अलग होगी, क्योंकि ये टेस्ट आपका पास है और या नहीं है तो बन जाएगी। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आर्ट करें, आप दूसरे में भी अपना हुनर आजमा सकते हैं। कभी टाइम निकाल कर कुछ खाना बनाइए, अपना मन से बनाइए, कुछ क्रिएट कीजिए, कुछ क्ले लेके कुछ स्कल्पचर, कुछ मूर्तियां बनाने का कोशिश कीजिए, कुछ उल्टा पुल्टा चीज़, कुछ भी टूटा फूटा लेके जोड़ के कुछ मूर्ति बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ भी, कहीं धागा पड़ा हो, कहीं बटन्स पड़ा हो, कहीं प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ा हो, इस तरह से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगा। तो उम्मीद है, मुझे पता नहीं ये कितना टाइम हो गया, ये सारे 9 मिनट हो रहा है और इसको 10 मिनट थोड़ा कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से कुछ वॉइस वीडियोस लेके आऊँगा, इसमें इमेज तो दिखेगी लेकिन स्टिल होगी और इसका पीछे मेरा वॉइस चल रहा होगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरा आज का जो वीडियो है, वीडियो नहीं ऑडियो ज़्यादा है, आपको पसंद आया होगा। इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम हम करें उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशनल सोर्स होना चाहिए। बिना मोटिवेशन के हम कोई काम करते नहीं हैं, वो पुश हमें मिलता है, पीछे से धक्का चाहिए ना। चाहे आप खुद को धक्का मारो, ऑटो मोड में आ जाओ, जिसको बोलते हैं ऑटो स्टार्ट, या धक्का मार के स्टार्ट करेंगे। मैं आज जो काम कर रहा हूँ आपको एक धक्का दे रहा हूँ ताकि आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाए और आप आगे निकल पड़ो। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, कॉमेंट्स जरूर कीजिए, कॉमेंट से मुझे पता चलता है आपको क्वेरीज क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है और मुझे आगे क्या करना है। लाइक्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।